नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज एपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे फार्माकोथेरेपेटिक सब्जेक्ट डी फार्मा सेकंड ईयर चैप्टर 5 दोस्तों है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दोस्तों पहला डिजीज है एपिलिप्सी। ये पेज दोस्तों थोड़ा क्लियर नहीं आ पाया है तो इसको आप हाई क्वालिटी पर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में दोस्तों ये सही हो जाएगा, ठीक। तो जो एपिलिप्सी है दोस्तों उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। थोड़ा लंबा टॉपिक है क्योंकि टाइप ऑफ सीजर के बारे में इसमें पढ़ना है, कितने टाइप के सीजर होते हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। वीडियो पर लास्ट तक उससे बने रहिएगा, ठीक है। पहले डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है एपिलिप्सी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों फार्माकोलॉजी में भी, ये सब्जेक्ट ये टॉपिक है और इसमें भी है फार्माकोथेरेपेटिक्स में, तो दोनों में इंपॉर्टेंट होने वाला है एपिलिप्सी, ठीक। एपिलिप्सी इज ए ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस विच इज अकर्स बाय एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी कैजिंग सीजर एंड अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक। इस ये क्या डिफिनीशन क्या कह रहा है, ये एक दोस्तों न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, ठीक है। ये कब होता है, ब्रेन में जो ब्रेन की एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, वो एबनॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है जैसे कि मेनिनजाइटिस हो गया, या फिर ब्रेन में चोट लगी हो, या फिर ऐसा कोई इन्फेक्शन ब्रेन में हो जिसके कारण जो एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, जिसके कारण हमको सीजर आ रहा है दोस्तों यही, या फिर कोई पेशेंट अनयूजुअल बिहेवियर कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, तो इसी को एपिलिप्सी दोस्तों बोलते हैं, ठीक। ये था दोस्तों छोटा सा डिफिनेशन, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ से डिफिनीशन के बाद देखते हैं टाइप्स। ब्रीफली एपिलिप्सिस हैव बीन क्लासिफाइड सच एज, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, ये होता है एब्सेंस सीवर, पहला होता है एब्सेंस सीवर, दूसरा होता है टोनिक क्लोनिक सीजर, और तीसरा होता है एटोनिक सीजर, फिर इसके बाद चौथा टोनिक सीजर, और फिर क्लोनिक सीजर, और एंड क्या होता है मायोक्लोनिक सीजर। ये 6 प्रकार के दोस्तों सीजर होते हैं, इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिखा है। द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ एपिलिप्सी इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, ये क्या कह रहा है डिफिनीशंस। जो इसका मेन काजेज है दोस्तों वो क्लियर नहीं हो पाया है कि ये झटके क्यों आते हैं, ठीक। वेरियस ब्रेन डिसऑर्डर के कारण से आसा, जैसे यहाँ लिखा है वेरियस ब्रेन डिसऑर्डर सच एज ब्रेन ट्यूमर, इन्फेक्शन इन ब्रेन सच एज मेनिनजाइटिस, वायरल इंसेफलाइटिस एंड एड्स आल्सो काजेज द एपिलिप्सी। अगर ब्रेन में किसी प्रकार की इन्फेक्शन है या फिर मेनिनजाइटिस है दोस्तों, दिमागी बुखार है, तब आपको झटके आ सकते हैं, यही इसके कारण हो सकते हैं एपिलिप्सी के, ठीक है दोस्तों। 4 लाइन में है, बहुत लंबा नहीं लिखा हूँ मैं, ये 4 लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, इसमें भी दोस्तों ज़्यादा मैं नहीं लिखा हूँ, जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना ही लिखा हूँ, ठीक। अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट ऑफ आर्म एंड लेग विदाउट फीवर, ठीक है दोस्तों। राइटिंग थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, तो आप इसको समझ के लिख लीजिएगा। अनकंट्रोल जर्की मूवमेंट, जर्की मतलब हाथ पैर दोस्तों हिलाते हैं, ठीक, लगातार हाथ और पैर दोनों हिलाते रहते रहे विदाउट किसी फीवर के, फीवर नहीं रहेगा तो भी ये हिलाएंगे, इसका ये लक्षण है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दोस्तों, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, अपना कॉन्शियसनेस खो देगा, ठीक। एनजाइटी दोस्तों, घबराहट हो गया, और टेम्प्रोरी क्या होगा, कन्फ्यूज हो जाएगा पेशेंट। ये 4 चीज़ें थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे बात करेंगे, ये थोड़ा लंबा है दोस्तों, आपको लिखना पड़ेगा, नहीं लिखते तो थोड़ा समझ लीजिए क्या है। वहाँ पर दोस्तों मैंने पीछे बात किया आप कितने टाइप के सीजर होते हैं, पहला होता है एब्सेंस सीवर, ठीक। एब्सेंस पहला होता है एब्सेंस, दूसरा टोनिक क्लोनिक, पहले एब्सेंस के बारे में जानेंगे। इट इज आल्सो टर्म एज पेटिमल, एंड इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पेटिमल एपिलिप्सी भी बोल सकते हैं, या फिर पेटिमल सीजर भी बोल सकते हैं। एंड ऑब्जर्व यूजली इन चिल्ड्रेन दैट लास्ट फॉर 1 to 2 मिनट्स, ये जब आता है दोस्तों एब्सेंस सीजर चिल्ड्रेन में मुख्यतः होता है, 1 to 2 मिनट के लिए आता है, यही पहला लाइन कह रहा है, ठीक। चलते हैं आगे दोस्तों, यहाँ से इट इन्वॉल्व ए वेरी ब्रीफ आर मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, द पेशेंट स्ट्रेट
ब्लैंकी इन वन डायरेक्शन इन टू द स्पेस फॉर फ्यू सेकेंड एंड देन रिटर्न क्विकली टू नॉर्मल अवेयरनेस। यहाँ तक लाइन क्या कह रहा है दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज़्यादा मोमेंट्री में आता है दोस्तों, और अपना जो पेशेंट अपना पेशेंट जो है बेहोश हो जाता है, और पेशेंट एक तरफ ही जैसे कि मुड़ी अपना जो गर्दन है दोस्तों एक एक तरफ ही ऐसे एक स्थान पर बनाए रखता है, एक स्थान पर ही देखता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जब किसी को सीजर आता है तो एक टक जिसको बोलते हैं एक टक उसी पर एक स्थान को देखते रहता है, और देन फिर वो सही हो जाता है, फिर अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। वही चीज़ लिखा है, इट इन्वॉल्व ए वेरी ब्रीफ मोमेंट्री लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, द पेशेंट स्टार्ट ब्लिंकिंग इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में देखता है द फ्यू सेकेंड देन रिटर्न क्विकली नॉर्मल अवेयरनेस। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, चलते हैं आगे बात करेंगे। इट इज ऑब्जर्व इन दियर ईईजी स्टडी विद द कैरेक्टरिस्टिक स्पाइक एंड वेव पैटर्न 3 साइकिल ऑफ सेकंड। ये इसका जांच एक ईईजी करके जांच होता है दोस्तों, उसको कराकर उसको क्लेरिफाई किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं दोस्तों आगे, टोनिक क्लोनिक सीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये दूसरा नंबर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। चलिए, दिस टाइप ऑफ सीजर आर ऑल्सो नोन ग्रैंडिमल एंड मेजर एंड कन्वल्सिव। ठीक, इसको ग्रैंडिमल एपिलिप्सी भी दोस्तों बोलते हैं। तो टोनिक क्लोनिक हेडिंग डालेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंडिमल एपिलिप्सी या फिर ग्रैंडिमल सीजर। ठीक, ऑल दो इट लास्ट फॉर 1 to 2 minutes एंड इन्वॉल्व टिपिकल ऑरा क्राइंग लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सिक्वेंस ऑफ पेशेंट में फॉल। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ तक ये कह रहा है जब 1 से 2 मिनट तक ये आता है और टिपिकल और एक झटके से दोस्तों आएगा और पेशेंट दोस्तों चिल्लाने लगेगा और अपना बेहोश हो जाएगा, यहाँ चिल्लाने लगेगा, यहाँ एक झटके से आएगा और यहाँ बेहोश हो जाएगा एंड कॉन्सिक्वेंस पेशेंट में फॉल, और पेशेंट अचानक से गिर जाएगा दोस्तों, अगर कहीं बैठा वगैरह है या फिर खड़ा है अगर आएगा तो अचानक से गिर जाएगा। ठीक, और क्या होगा, लॉस ऑफ कंट्रोल यूरिन और अथवा स्टूल, और यूरिन को यूरिन भी पास कर देगा दोस्तों और स्टूल भी पास कर देगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। ठीक, एंड टोंग बाटिंग, और अपने जो जीभ है दोस्तों वो काटने लगेंगे, और ठीक ये सब आता है इसका लक्षण ये टोनिक क्लोनिक में। ठीक है, बहुत ही तगड़े से आएगा 1-2 मिनट के लिए, पेशेंट अचानक से दोस्तों गिर जाएगा और चिल्लाने लगेगा, बेहोश हो जाएगा और यूरिन पास आउट कर देगा दोस्तों, उसको पता भी नहीं चलेगा। ये सब दोस्तों टोनिक क्लोनिक में होते हैं। द टोनिक स्पास्म इंटायर द बॉडी मसल्स, ये क्या करता है, जो टोनिक स्पास्म आता है सभी बॉडी मसल्स क्या कर ट्विच कर देता है, मरोड़, जिसे कि बोलते हैं मरोड़ने लगते हैं। क्लोनिक जर्किंग टाइप आता है, अपने हाथ को दोस्तों हिलाने लगते हैं जर्क टाइप मूवमेंट में। कंटिन्यू विद प्रोलॉन्ग स्लीप एंड सीएनएस डिप्रेस इन द मेन फीचर ऑफ द टाइप ऑफ सीजर। ये दोस्तों क्या होता है, लंबे समय तक पेशेंट रहता हो दोस्तों सो जाता है, उसकी पूरी जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स वो क्या करती है, डिप्रेस्ड हो जाती है पूरी तरह से। यही मेन जो इसका फीचर है दोस्तों, मेन इसका जो लक्षण है यही है टोनिक क्लोनिक सीजर का। ठीक, उम्मीद दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, लिखे रहेंगे तो ठीक रहेगा। तीसरा के बाद हम बात करेंगे, तीसरा क्या है दोस्तों, एटोनिक सीजर। दिस टाइप ऑफ सीजर आल्सो आइडेंटिफाई एकाइनेटिक एपिलिप्सी, इसको एकाइनेटिक एपिलिप्सी भी बोल सकते हैं। इट इज करेक्टराइज बाई सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यू टू द कम्प्लीट रिलैक्सेशन ऑफ मसल टोन मसल स्ट्रेंथ। ये इसमें क्या होता है दोस्तों, अचानक से आप बेहोश हो जाएंगे, कोई भी मूवमेंट नहीं होता, मसल्स आर रिलैक्स, मसल पूरी तरह रिलैक्स हो जाएगा। ठीक, द पेशेंट रिमेन अवार्ड में फॉल, और पेशेंट अगर बैठा वगैरह है तो दोस्तों वो तुरंत गिर जाएगा। ये था दोस्तों तीसरा, बात करते हैं चौथे के बारे में, क्लोनिक सीजर। दिस टाइप ऑफ सीजर इज वेरी रेयर इन यूजली अकर्स इन चिल्ड्रेन। ये दोस्तों बहुत ही रेयर केस में होता है और ये चिल्ड्रन में बच्चों में होता है। इट इन्वॉल्व द फास्ट स्टिफनिंग रिलैक्सेशन ऑफ मसल रिदमिक पैटर्न जनरली इफेक्ट फेस नेक बोथ आर्म ऑफ द बॉडी। इसका ये मतलब है ये तुरंत बहुत ही फास्ट तरीके से दोस्तों आता है और पूरी जो मसल्स है वो दोस्तों पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी और
इसका जो इफेक्ट होता है दोस्तों फेस में, फेस पे होता है और नेक अपने गर्दन को हटने लगेंगे दोस्तों, एंड बोथ आर्म दोनों जो आर्म है दोस्तों, हाथ पैर है उसको, इस पर भी इफेक्ट करता है क्लोनिक सीजर। ठीक, फिर बात करते हैं टोनिक सीजर में। दिस टाइप ऑफ सीजर एसोसिएटेड विद स्टिफनेस ऑफ मसल्स ऑफ लिम्ब दैट परसिस्ट अबाउट 20 सेकेंड। ये दोस्तों जो सीजर है 20 सेकेंड के लिए आता है। ठीक, इसमें क्या होता है 20 सेकंड के लिए आएगा आपको, आफ्टर दिस सीजर द पेशेंट में फील कंफ्यूज एंड एग्जॉस्ट, और पेशेंट इसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है, मुझे हुआ क्या है और घबराने लगता है दोस्तों। ठीक, मुझे क्या हो गया था 20 सेकंड के लिए। ये था दोस्तों टोनिक सीजर में। मायोक्लोनिक सीजर में बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ सीजर काजेज इम्पल्सिव शॉक इन्वॉल्विंग द ब्रीफ जर्की क्विक स्विचिंग एंड द आर्म लेग ऑफ द होल बॉडी। इसका मतलब ये है दोस्तों पूरे मायोक्लोनिक में ब्रीफ जर्की टाइप के मूवमेंट होंगे और अपनी बॉडी को ऐंठने लगेंगे पेशेंट, दोनों पैर दोनों हाथ और पूरा होल बॉडी को दोस्तों ये इफेक्ट करता है मायोक्लोनिक सीजर्स, पूरा होल बॉडी इसमें ऐंठने लगेगा। ठीक, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों छः में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अगर कॉमन सेंस आप लगाएंगे या फिर पढ़ेंगे आराम से तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है। चलते हैं आगे दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिएगा। बात करते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट दोस्तों थोड़ा सा समझेंगे। इसमें एक तरह का डिवाइस होता है दोस्तों जो आपके चेस्ट के स्किन के अंदर रख दिया जाता है, जो कि गर्दन के माध्यम से क्या करता है अपने जो सीएनएस है उसको स्टिमुलेट करता रहता है, उसको नर्व इम्पुल्स पहुँचाता रहता है, जिससे कि सीजर को कंट्रोल करने में दोस्तों कंट्रोल करता है। ठीक, यही लिखा गया है। डिवाइस लाइक वैग्यू नर्व स्टिमुलेशन, एक वैग्यू नर्व स्टिमुलेशन आता है, डिवाइस आता है दोस्तों वैग्यू। ठीक, तो वो देखिए यूज टू प्रिवेंट सीजर, दिस डिवाइस प्लेस सर्जिकली सर्जरी करके अंडर द स्किन चेस्ट सेंड द माइल्ड इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट स्टिमुलेट द नर्व रनिंग थ्रू द नेक। तो ये क्या करता है चेस्ट के अंदर दोस्तों रख दिया जाता है और ये क्या करता है एक इलेक्ट्रिकल इम्प्यूल्स को जनरेट करता है, फॉर द स्टिमुलेट करता है नर्व रनिंग, जो गर्दन की तरफ से जो नर्व गया हुआ है दोस्तों उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि सीजर आता है दोस्तों तो उसको ये कंट्रोल करता है। दिस टाइप ऑफ डिवाइस आर द कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द ब्रेन। इसको दोस्तों पेस मेकर ऑफ द ब्रेन भी बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नंबर में पूछ सकता है दोस्तों पेस मेकर ऑफ द ब्रेन को किसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं वैगू डिवाइस। ठीक, फिर बात करेंगे कीटोजेनिक डाइट कंटेनिंग हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट फूड बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग मेडिकेशंस। अगर आपका डाइट अच्छा प्रॉपर तरीके से ज़्यादा फैट वगैरह नहीं ले रहे हैं तो आपका जो दोस्तों हाई फैट नहीं ले रहे हैं तो ये भी जो होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल में भी आती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स विदाउट मेडिसिन यूज दोस्तों, मेडिसिन का यूज नहीं है इसमें, डिवाइस का यूज किया, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें डिवाइस का यूज किया गया है ना कि मेडिसिन का यूज किया गया है। ठीक, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है दोस्तों तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, द रिमूवल ऑफ एरिया ब्रेन वेयर द सीजर हैपनेस बाय सर्जरी। अगर किसी पार्ट से जैसे कि चोट वगैरह लगा है तो ब्रेन में दोस्तों ब्लड जम जाता है या फिर कुछ ऐसी दिक्कतें आती है तो उसको सीजर के माध्यम से निकाल के, जिसके कारण सीजर आ रहा है दोस्तों उसको ऑपरेशन के माध्यम से निकाल के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, चलते हैं आगे दोस्तों, बात करेंगे। ये थे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये हेडिंग है दोस्तों फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सेवरल ड्रग दैट हैव एंटीलेप्टिक एक्शन गिवन एज बिलो। पहला हेडिंग डालेंगे बारबिट्यूरेट, बारबिट्यूरेट में दोस्तों आता है फिनोबारबिटोन, डॉक्सी बारबिट्यूरेट में प्राइमिडोन आता है, हाइड्रोटोइन में फिनटोइन आता है दोस्तों, इम्यूनोस्टेबिन्स में आता है दोस्तों कार्बाज, इसको आप नहीं लिखेंगे, जो आपको ईजी लग रहा है दोस्तों दो दो आप लिख रहेंगे तो अभी आपको आ जाएगा, कार्बाजिपाइन आता है दोस्तों। ठीक, एलिफेटिक कार्बोक्जिलिक एसिड में वेलप्रोइक एसिड आता है, सोडियम वेलप्रोइल आता है और ये आता है डिवलप्रेक्स। एल्वेरिक एसिड वेलप्रोइक एसिड और सोडियम वेलप्रोट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चलता है, फिनोबारबिटोन भी चलता है, ये सब दोस्तों दवाइयाँ यूज की जाती हैं एपिलेप्सी में। हाँ, एक हॉस्पिटल प्रैक्टिशनर भी मैं हूँ दोस्तों,
मैं हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करता हूँ और पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, तो ये जो नॉलेज है दोस्तों आपको अच्छे के लिए मिल रहा है। ठीक, चलते हैं, बात करते हैं। सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड आता है और बेंजोडाजीपाइन्स में क्लोनाजीपाम, लोराजीपाम जो भी आता है, ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, फिनाइल ट्राइजिन में लिमोट्रिजिन आता है और साइक्लिक गामा एनालॉग में गामा पेक्टिन और गामा लीन आता है, और न्यूअर ड्रग में एक ड्रग आता है जो होता है लिवेरासिटाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिवेरासिटाम। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, इतना आप ये चीज़ें जो हैं दोस्तों, इतना ये आप चाहे जहीं भी लिख सकते हैं, ये फार्माकोलॉजी में भी लिख सकते हैं। ठीक, और फार्माकोलॉजी में भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री में भी, बायोकेमिस्ट्री जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप लिख सकते हैं। ठीक, उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी को दोस्तों शेयर करिएगा। ठीक, और पढ़ाई हो दोस्तों समझ में आता है नहीं आपको, ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ये था दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।